दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजरीज का ब्रीडिंग फार्मूला क्या है, कैसे देना है। अगर आपके बजरीज ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, अंडे बच्चे नहीं कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे, तो अगर आप उनको ये ब्रीडिंग फार्मूला मिक्स दाना खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी ब्रीड आएगी। सबसे पहले आपने कैल्शियम पी सीरप लेना है, कैल्शियम पी सीरप बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद आपने वाइडलिन सीरप लेना है, ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है, इवन ग्रीन कलर की कैप्सूल होती है, ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और एक अदद आपने अंडा लेना है। उसके बाद आपने मिक्स दाना लेना है, बजरीज का जो मिक्स दाना होता है। अगर आपको नहीं पता कि बजरीज का मिक्स दाना कैसे बनता है, तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिक्स दाना जो है वो एक किलो के हिसाब से मैंने लिया हुआ है, अभी उसी हिसाब से मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगा। तो आपने भी एक किलो लेना है, अगर आप दो किलो करेंगे तो चीज़ों की मिकदार जो है वो आप डबल कर देगा। इसको आपने हल्की सी आँच में गर्म कर लेना है दाना। दाने को गर्म करने के बाद जब आप इसको देखें कि हल्का सा ही गर्म हो चुका है, तो इसको आपने एक पतीली में एक अलग उसमें कर लेना है, ताकि इसमें हम अब चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करेंगे। आप हमने जो दाने को है वो अलग कर लिया है, अब इसमें हम चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं। चीज़ों को ऐड करने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है। कैल्शियम पी सीरप मैं इसमें ऐड करने जाऊंगा, तो उसको मैंने सबसे पहले अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद हमने डालना है ताकि जो भी इसका पाउडर जो है वो मिक्स होके इसमें पूरा जा सके। कैल्शियम पी जो है वो पानी में मिला के दे सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर चेंज करना होता है 2 घंटे के अंदर अंदर। तो आप दाने में मिला के दे सकते हैं जैसा आपको ईजी लगे, मैं जो है वो दाने में मिला के दे रहा हूँ। अब मैं डाल रहा हूँ वाइडलिन सीरप 1 चम्मच, कैल्शियम पी सीरप मैंने 1 चम्मच डाला था, 1 चम्मच मैंने वाइडलिन सीरप डाला है। अब इसके अंदर मैं अंडा डालने जा रहा हूँ। अंडे को मैंने फेंट लिया था, ये तकरीबन आधा अंडा है, 1 किलो के अंदर मैं आधा अंडा जो है वो डाल रहा हूँ। अंडा डालने के बाद इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगा विटामिन ई की कैप्सूल। 1 विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। आप अगर दाना ज़्यादा रखेंगे तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने पूरे दाने को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि एक एक दाने पे सारी जो मेडिसिन्स हैं वो मिक्स हो जाएं और दाना जो है वो थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है पहले। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक अदद नेट का कपड़ा लेना है, जिस तरह मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि दाना जो है वो अभी थोड़ा गीला सा है, इसमें नमी है थोड़ी सी, ताकि ये नमी जो है वो सूख जाए। इसलिए आपने इसमें थोड़ा सा नेट का कपड़ा लगाना है, ताकि इसमें हवा भी जाती रहे और दाना सूख जाए और कोई फंगस वगैरह जो है वो इसमें ना जाए। ये दाना अगर आप अपने बजरीज को खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस आएगी। अगर आपके बजरीज अंडे नहीं देते तो ये दाना देने से, ये विटामिन यूज़ करने से वो अंडे बच्चे देने लग जाएंगे। मैं भी अब आने वाली वीडियोज़ में अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें आपको।